हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेघ्स हिंदी में, जहाँ मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की हर सोमवार और शुक्रवार। तो गाइस, आज का वीडियो है ऑल अबाउट टमी टकर्स। सो बेसिकली लास्ट लॉन्जरी वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं और डिटेल वीडियो करूँ और स्पेशली टमी टकर्स पे, तो मैं समझ सकती हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आज मैं सारे टॉपिक्स और सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर करूँगी टमी टकर्स में, वेदर आप कहाँ से खरीदें, कौन सा साइज़ कैसे डिसाइड करें और कैसे यूज़ करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसी और अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला जो है टमी टकर्स बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली जिन लोगों का बेली फैट होता है उसके लिए कई बार जो है हमें फिटेड ड्रेस पहनने में थोड़ा सा टमी बल्ज आउट होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आते हैं टमी टकर्स इस टाइप के, जो कि होते हैं बॉडी शेपर्स। तो इसको जब आप पहनते हैं तो आपका जो टमी है वो काफ़ी फ्लैट हो जाता है और फिर बॉडी हगिंग ड्रेसेस जो है अच्छी लगती हैं, वेदर कुर्तीज हो और वेदर वेस्टर्न ड्रेसेस हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि टमी टकर्स आप कहाँ से लें। तो बेसिकली टमी टकर्स है, आप लोकल लॉन्जरी शॉप से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। जैसे ये वाला जो मेरा है ये है ऑनलाइन मैंने लिया था, और ये वाला जो है ये है लोकल स्टोर से। अब मैं आपको बोलूंगी कि मुझे पर्सनली लोकल स्टोर से लिया हुआ ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये जो होता है इसमें यहाँ पे एक जो है वायर टाइप का लगा होता है इनर, और ये दोनों साइड होता है, तो ये जो आपकी टमी को एकदम फ्लैट रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ये जो ब्रांडेड वाले होते हैं, जो हाई एंड ब्रांड, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं आपको पता है लॉन्जरी ब्रांड्स, तो उनमें जो टमी टकर्स आते हैं वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, अराउंड 1000 से 1500 के बीच होते हैं, और उनमें जो है बीच में कुछ भी स्प्रिंग टाइप का नहीं लगा होता है, तो वो अच्छे से पेट को होल्ड नहीं करता और फिर भी ऐसा लगता है कि टमी टकर के पहनने के बाद भी पेट बाहर निकला है। तो मुझे जो है पर्सनली ये लोकल लॉन्जरी स्टोर वाले बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें जो है यहाँ से ये दो जो है स्प्रिंग टाइप के सीधे सीधे होते हैं, तो इसमें जो है पेट अच्छे से टाइट हो जाता है, फ्लैट लगता है। तो मैंने जो है लोकल से भी लिए हैं और मैंने ब्रांडेड भी लिए हैं, और मुझे पर्सनली ये लोकल वाले ज़्यादा पसंद है। अब आप पूछेंगे कि लोकल में कौन सा ब्रांड, तो लोकल में कोई ब्रांड नहीं होता, इसमें कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता है, और ये आपको किसी भी लोकल लॉन्जरी स्टोर, जैसे कि सरोजी नगर में बहुत सारे लॉन्जरी स्टोर्स हैं, वहाँ आप पूछेंगे तो आपको टमी टकर्स मिल जाएंगे। इनकी रेंज होती है 350 से 600, 650 तक। तो मैंने जो है एक जब मैं माउंट आबू गई थी वहाँ एक लोकल लॉन्जरी स्टोर से लिया था, देन मैंने यहाँ दिल्ली में गुड़गांव के सेक्टर 14 मार्केट के एक लोकल लॉन्जरी स्टोर से लिया था। तो ये जो है बहुत ही कॉमनली सारे लोकल लॉन्जरी स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं, आप इसे ट्राई करके देखिए कि आपका जो पेट है वो एकदम फ्लैट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये थी मेरी टिप नंबर 1 कि मैं जो हूँ पर्सनली नॉन ब्रांडेड टमी टकर्स को प्रेफर करती हूँ ओवर ब्रांडेड टमी टकर्स, क्योंकि वो सस्ते भी होते हैं और वो मेरे पेट को ज़्यादा फ्लैट रखने में हेल्प करते हैं। नाउ सेकेंड जो क्वेश्चन है, कॉमन बहुत सारे क्वेश्चन आए कि इसका साइज कैसे डिसाइड करें। तो बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आपका पैंटी का साइज होता है वही आपके टमी टकर का साइज होता है। तो अगर आप स्मॉल पैंटी पहनते हैं तो ये स्मॉल लीजिए, मीडियम पहनते हैं तो मीडियम, लार्ज तो लार्ज, एक्सेल तो एक्सेल, तो इस टाइप का ये आता है। कई बार जो है फ्री साइज भी आता है, बट उसमें फिर प्लस साइज में आई एम नॉट श्योर कि उतना ठीक होगा कि नहीं होगा, तो आप स्मॉल मीडियम लार्ज वाले जो अवेलेबल है उनमें से आप सेलेक्ट कीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे यूज करें, इसको कितने टाइम तक यूज करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब आप एक टमी टकर पहनते हैं शुरू में तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी टाइट चीज आपने पहनी हुई है जो आपके बिल्कुल ब्रेस्ट के नीचे तक आ रहा है, एकदम हाई टमी टकर, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, पर आप जब रेगुलर पहनेंगे तो आप इसके यूज टू हो जाएंगे। दूसरा, मैं प्रेफर करती हूँ कि ओनली जो मेरी टाइट कुर्तीज और ड्रेसेस है उसी टाइम मैं ये पहनूँ उसके अंदर, मैं रेगुलर में इसको नहीं पहनती हूँ, क्योंकि रेगुलर इतना टाइट अनकंफर्टेबल लगता है। तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आप भी अगर आपको लूज फिट ड्रेस पहनते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है पहनने की हमेशा, पर जब आप कोई टाइट फिटेड ड्रेस पहन रहे हो उसमें आपको लग रहा है मेरा पेट दिख रहा है, तो आप उसमें जो है ये वाला पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा है कि क्या हम प्रेगनेंसी में पहन सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप ऐसी कुछ भी चीज मत पहनिए जो आपके पेट पे और प्रेशर डाले, और ये जो है पेट को अंदर करता है प्रेशर देके, तो ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी मत पहनिए।
नाउ कई लोगों को ये कन्फ्यूजन भी रहता है, मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत बार देखा है कि ये जो टमी टकर है ये रोल ऑन करके पेट में रोल होके नीचे आ जाता है, तो वो आपका तब होगा जब ऐसा वाला टमी टकर आपका बहुत पतला होगा। ये जो लोकल वाले जो होते हैं इनका जो ऊपर का कपड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा थिक होता है और स्ट्रेचेबल होता है, तो जब आप इसको पहनते हैं तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो कभी भी नीचे नहीं आता है। तो आप ऐसा टमी टकर चूज़ कीजिए जो बहुत ही थिक हो, और टमी टकर्स हमेशा आप स्किन कलर लाइट कलर में लीजिए क्योंकि ये फिर आपकी ड्रेस के अंदर पता नहीं चलता है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम साड़ी के अंदर भी टमी टकर पहन सकते हैं, तो साड़ी में अगर आपने शॉर्ट ब्लाउज पहना है तो आप टमी टकर नहीं पहन सकते क्योंकि फिर वो बीच के एरिया में दिखेगा। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरा टमी है तो मैं लॉन्ग ब्लाउज पहनती हूँ जो मेरी टमी को कवर करे, तो साड़ी और ब्लाउज के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो उसमें फिर आप टमी टकर पहन सकते हैं और एकदम फ्लैट पेट लगेगा आपका साड़ी के साथ, तो उसमें आप लॉन्ग ब्लाउज पहने। तो गाइज ये था वीडियो टमी टकर के बारे में, कैसे यूज करें, कैसा साइज डिसाइड करें और कहां से लें। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं टमी टकर्स के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जरूर आंसर करने का आपको जरूर जरूर ट्राई करूंगी। बट आई होप मैंने आपके सारे कंफ्यूजन आज क्लियर कर दिए हैं टमी टकर्स के बारे में। तो गाइस चलिए आज का ये था वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आया, और अगर हाँ तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली और जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो। और ऐसी और अपडेट्स के लिए, ऐसी और फैशन एडवाइस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। और अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल है पर्की मेक्स, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। मिलती हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, फील ब्यूटीफुल बी स्टाइलिश, बाय बाय।